नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका द्वारा दिए गए भारत को प्रस्ताव पर। रिसेंट में ही अमेरिका की कांग्रेस में यह बिल पास हो गया है कि भारत को भी नाटो में ज्वाइन करना चाहिए। अमेरिका भारत को दक्षिण अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल करना चाहता है। कि भारत को नाटो में क्यों ना शामिल कर लिया जाए। यूएस सेलेक्ट कमिटी ऑन सीसीपी रिकमेंड इंडिया टू बी पार्ट ऑफ नाटो प्लस। यानी अब क्या है ये नाटो, चलिए समझते हैं। दरअसल बात है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, जब दो ग्रुप में बट गया था पूरी दुनिया। एक था यूएसएसआर का ग्रुप और दूसरा ग्रुप था अमेरिका जैसे देशों का। और उस यूएसएसआर के ग्रुप में साम्यवाद विचारधारा के लोग रहते थे और अमेरिका के पास थे पूंजीवाद विचारधारा के लोग। इन धाराओं में आपस में कोल्ड वार होने लगा और उस कोल्ड वार में दोनों एक दूसरे को काउंटर करना चाहते थे। इसीलिए अमेरिका ने बनाया अपनी एक सैन्य शक्ति जिससे वह यूएसएसआर को काउंटर कर सके और दुनिया के किसी भी देश को यूएसएसआर के हमले से बचा सके, जिसका नाम रख दिया नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस नाटो के तहत यूरोप के बहुत सारे देश मिलकर के एक सैन्य बल बना लिए और इसमें एक सबसे अहम रूल यह रखा गया कि यदि कोई दूसरा देश किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो सभी देश मिलकर के उस पर आक्रमण कर देंगे। और उन्होंने एकजुट मिलकर के इंटेलिजेंस पर भी काम करना शुरू कर दिया और उस काम के तहत 1991 में यह संगठन सफल भी रहा, जब यूएसएसआर टूट करके 15 भागों में विभक्त हो गया। तभी काफी वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया तो नाटो को भी समाप्त कर देना चाहिए, तो अमेरिका का दुश्मन नहीं बचा और उस दुश्मन को अमेरिका ने चेंज कर लिया। दरअसल रूस से उसे चाइना में शिफ्ट कर दिया और एशिया पैसिफिक के देशों को मिलाने के लिए एक नया संगठन का नाम दे दिया नाटो प्लस, और उसमें हाल ही में 5 देश शामिल और उन 5 देशों में 6ठा मेंबर इंडिया को शामिल करने के लिए यूएसए फोर्स कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका की कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद में हाल ही में यह बिल पास हुआ है कि इंडिया को किसी भी तरह से नाटो में शामिल करो यदि चाइना को काउंटर करना है। देखिए, नाटो में ज्वाइन होने से इंडिया के फायदे क्या होंगे। इंडिया को फायदा होगा कि चाइना कभी भी इंडिया पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। देखिए, यह बात तो साफ है कि आज काफ़ी मायने में चाइना भारत से बहुत आगे है, पर इसमें एक ठो बैक चीज़ ये है कि आपको अपनी GDP का 2% ट्रिब्यूट करना पड़ेगा नाटो को, जो अपनी सैन्य बल को बढ़ाएगा। जो हमारा सबसे खास मित्र है 1971 के बाद से, जिसे हमने अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, वो भी हमसे दूर जा सकता है। और नाटो प्लस का मेन मकसद यही है कि चाइना और रूस को काउंटर करना। तो कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि 2030 तक तो भारत बिल्कुल भी इसमें चुप्पी साधे रहेगा, पर हो सकता है कि 2030 के बाद भारत नाटो में ज्वाइन हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो में ज्वाइन होना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।